ऑल फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे ऑल फॉर यू चैनल पर पहली बार आए हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आप देख सकेंगे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, शूज, होम अप्लायंसेस इत्यादि की अनबॉक्सिंग, इनके रिव्यूज और इनके बारे में अधिक की जानकारी। यह वीडियो है ASUS VivoBook X540UA GQ682T लैपटॉप के बारे में। ASUS ने X सीरीज नाम से बेस्ट बजट लैपटॉप लॉन्च किए हैं। यह उनमें से ही एक बेस्ट बजट लैपटॉप है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स है इस ASUS VivoBook X540UA GQ682T लैपटॉप का। बॉक्स पर सामने ही लिखा गया है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स, मतलब अविश्वसनीयता की खोज में। बॉक्स के पीछे इस लैपटॉप के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि इस लैपटॉप में 15.6 इंच की HD LCD स्क्रीन दी गई है। इस ASUS VivoBook X540UA GQ682T लैपटॉप में इंटेल कोर i3-7020U 7th जनरेशन का CPU दिया गया है। i3 यह ड्यूअल कोर और i5-i7 यह क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसका साधारण सा मतलब यह है कि i3 प्रोसेसर को दो हाथ है और i5-i7 प्रोसेसर को चार हाथ है, तो जाहिर सी बात है कि चार हाथ वाला दो हाथ वाले से ज्यादा स्पीड में काम करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि i3 प्रोसेसर अच्छा नहीं है, इसका मतलब यह है कि i3 यह i5 और i7 प्रोसेसर से थोड़ा स्लो काम करेगा। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग से लेकर सारे सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस के काम कर लेता है। अगर आप 3D सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स, प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आप i5 और i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप ही लीजिए। इस ASUS VivoBook लैपटॉप में 4GB रैम मेमोरी और 1TB की हार्ड डिस्क दी गई है। 1TB यह 1000GB के आसपास होता है। 4GB रैम यह कंप्यूटर के लिए दिन प्रतिदिन का कार्य करने के लिए पर्याप्त मेमोरी होती है। ग्राफिक डिजाइन और 3D सॉफ्टवेयर के लिए 8GB रैम वाला और एडवांस गेम के लिए 16GB रैम वाला कंप्यूटर या लैपटॉप अच्छा होता है। बॉक्स पर यहाँ इस ASUS VivoBook लैपटॉप का मॉडल नंबर दिया गया है X540UA GQ682T। यहाँ पर इस लैपटॉप की कीमत 37,000 रुपए दी गई है, पर ऑनलाइन साइट पर यह लैपटॉप 24,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। इस बॉक्स में हमें मिलता है एक लैपटॉप, एक एडाप्टर और एक यूजर मैनुअल। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है यह ASUS VivoBook X540UA GQ682T लैपटॉप। यह दिखने में तो अच्छा है। यह लैपटॉप पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ASUS के लैपटॉप उनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए नहीं, पर उनके कम कीमत में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ASUS कंपनी यह दुनिया की नंबर वन मदरबोर्ड और गेमिंग ब्रांड कंपनी है। इस ASUS VivoBook लैपटॉप में 15.6 इंच की HD LCD स्क्रीन दी गई है। इस लैपटॉप में फुल साइज वन पीस चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है। चिकलेट कीज मतलब कीबोर्ड के कीज में प्रॉपर गैप होता है और यह कीज थोड़े ऊपर की तरफ उठे होते हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं। इस लैपटॉप में इंटेल कोर i3 ड्यूअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप को बड़ा सा टचपैड दिया गया है जो बहुत ही सेंसिटिव है। इस टचपैड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। टचपैड में स्मार्ट गेस्चर फीचर दिया गया है। टचपैड की मदद से आप वेब पेज स्क्रोलिंग, अप डाउन, जूम इन जूम आउट इत्यादि कार्य कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लैपटॉप के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि यह लैपटॉप लाइटवेट है। इस लैपटॉप का CPU इंटेल कोर i3-7020U 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाला है। 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर एक सेकेंड में 2.3 बिलियन बार इंस्ट्रक्शंस रन कर सकता है। अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए 3.5 GHz से 4 GHz तक के क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर अच्छे माने जाते हैं।
इस Asus VivoBook लैपटॉप को एक साल की वारंटी दी गई है। इस लैपटॉप में जो CD, DVD राइटर दिया गया है वह ऑड DVD सुपर मल्टी टाइप का है। यह CD DVD राइटर CD DVD को रीड और राइट कर लेता है। इस लैपटॉप में आई केयर फीचर दिया गया है जिसकी वजह से 30% ब्लू लाइट कम करके आंखों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लैपटॉप में सुपर बैटरी फीचर दिया गया है जो बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज होने से रोकता है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसका थिकनेस और वेट काफी कम है। इस लैपटॉप का वजन 2 kg है, इसलिए इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए Asus सोनिक मास्टर की वजह से हमें अच्छे क्वालिटी ऑडियो का एक्सपीरियंस मिलता है। इस Asus VivoBook लैपटॉप में 3 USB पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 microSD कार्ड रीडर स्लॉट और 1 CD DVD राइटर दिया गया है। इस लैपटॉप में बेसिक VGA वेबकैम दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे से यह लैपटॉप कुछ इस तरह से दिखता है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए लैपटॉप को नीचे से थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की गई है ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो के लैपटॉप गर्म न हो। यह लैपटॉप 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और इसकी बैटरी 4 से 5 घंटे तक टिकी रहती है। यह Asus VivoBook X540UA GQ682T लैपटॉप वीडियो एडिटिंग से लेकर सॉफ्टवेयर चलाने तक के सारे काम कर लेता है। अगर इस लैपटॉप के माइनस पॉइंट की बात की जाए तो इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया है। कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं दी गई है जिसकी वजह से रात के अंधेरे में काम करना मुश्किल हो जाता है। अगर इन माइनस पॉइंट्स को दुर्लक्षित किया जाए तो यह एक बेस्ट बजट लैपटॉप है। Asus के X सीरीज लैपटॉप में आपके जरूरत के अनुसार सारे स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप मौजूद है। इन सारे लैपटॉप की लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर जाकर इन लैपटॉप्स की कीमत और उनके स्पेसिफिकेशंस जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे ऑल फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।